और भाई क्या लड़की की आवाज आती है इसमें, मतलब जब ये बोलती है ना कि बैटरी लो, तो ऐसा सोनिक बेस यार, एकदम नाम में सोनिक वगैरह ऐसे बड़े बड़े शब्द यूज किए, तो एक्सपेक्टेशंस भी अभी उतनी ही बढ़ चुकी है इन ईयरफोन्स के लिए। वेल, नाम में तो काफी ज्यादा महंगे वर्ड जरूर है, बट प्राइस उतना महंगा नहीं है। मतलब एक रिलायबल नाम आ चुका है अंडर 1000 प्राइस टैग। वेल, आई रिमेम्बर सजेस्टिंग पीपल कि आप JBL के ईयरफोन्स ले लो, JBL ग्लाइड वाले, एंटी स्पोर्ट्स के ईयरफोन्स आते थे, बोट के ईयरफोन्स रहते थे, बट ऐसी कोई स्मार्टफोन एक्सेसरी नहीं थी जो 1000 के नीचे आपको अवेलेबल थी। तो रेडमी की तरफ से आई थिंक दिस इज अ वेरी बोल्ड मूव कि 1000 के नीचे आपको एक वायरलेस नेकबैंड ईयरफोन देखने को मिल जाता है। वेल, एज यू ऑल नो, दिस इज द रेडमी सोनिक बेस वायरलेस ईयरफोन्स। काफी बड़ा सा नाम है और एकदम मस्त से लाल कलर के डब्बे में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस लाल डब्बे का तो मैं ख्याल रख लूंगा, आप लोग वीडियो के नीचे वाले लाल बटन का ख्याल कर देना, बस उतनी अब से एक्सपेक्टेशंस है। एंड ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स अनबॉक्स द रेडमी सोनिक बेस वायरलेस ईयरफोन्स विद एनी फर्दर ado गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये है Redmi Sonic Base वायरलेस ईयरफोन्स का डब्बा। यहाँ पर आपको 12 आवर्स का बैटरी बैकअप, एनवायरमेंट एंड नॉइज कैंसिलेशन एंड IPX4 का रेटिंग सब दिया गया है। मस्त रेड कलर का बॉक्स एकदम घिर मिल जाता है बैकग्राउंड के साथ। एनीवेज, आपको पता है रेड कलर देखने के बाद आपको क्या करना होता है, आप उतने तो समझदार हो ही। एनीवेज, अभी इसको अनबॉक्स कर लेते हैं हम लोग फटाफट। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी इसको ओपन कर लिया है, बट एनीवेज आपके लिए बस आपको थोड़ा एस्थेटिकली प्लीजिंग चीज़ें दिखाने के लिए हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर आपको इनसाइड द बॉक्स कुछ ये तीन चीज़ें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद में आपको मिल जाता है ये डॉक्यूमेंटेशन, जो आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, या फिर इन द एंड आपको देखने को मिल जाते हैं ये ईयरबड्स कुछ इस तरह से। इसको मैं फटाफट इसको निकाल लेता हूँ। यहाँ पर निकालने में थोड़ा आराम से कर लेना, क्योंकि नाजुक साजुक चीज़ें होती है ये। 1000 रुपये आप अगर अपने मम्मी पापा से ले रहे हो इस चीज़ के लिए, तो थोड़ा बचा के रखना। तो कुछ इस तरह से बैंड देखने को मिल जाते हैं आपको। जो ऊपर वाला पार्ट है वो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल नेक बैंड, ये भी आपको प्लास्टिक बिल्ड में देखने को मिल जाते हैं। वेल, ईयरफोन्स के राइट साइड में हमें कुछ बटन्स देखने को मिल जाते हैं, एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ पर आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके जस्ट साइड में आपको एक माइक्रो यूएसबी स्लॉट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको राइट साइड के बैक साइड में एक LED देखने को मिल जाती है। इसको मैं फटाफट ऑन करके आप लोगों को दिखा लेता हूँ। तो एज यू कैन सी, ये जो व्हाइट कलर की LED है वो ब्लिंक होना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हम चलते हैं इन ईयर टिप्स की तरफ। एंड एज यू कैन सी, आपको यहाँ पर मैग्नेट वाला फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। ऑल्दो ये एक प्लास्टिक बेल्ट है, ओवरऑल आई विल से कि अच्छी क्वालिटी के ही दिखते हैं ये। एनीवेज, इन ईयरफोन्स को मैं अभी कुछ टाइम तक यूज करूंगा एंड आपको मिलता हूँ सीधा इसके रिव्यू के टाइम। सो गाइज, अभी हम लोग रेडमी के जो सोनिक बड्स हैं उनका टेस्टिंग करेंगे, मस्त गाना वाना प्ले करेंगे। आपको भी मैं एक मस्त गाना सुना देता हूँ, एंजॉय करेंगे, देखते हैं इसका जो सोनिक बेस है वो असली में सोनिक है यानी। गाइज, साउंड तो इसका काफी तगड़ा है, जो सोनिक बेस इसका नाम है, आई मीन इट लिव्स अप टू इट्स नेम। काफी अच्छा आपको बेस यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, बहुत ही तगड़ा मैं बोलूंगा। मतलब 999 रुपीज जो आप पे कर रहे हो स्मार्टफोन के लिए, नहीं, ये इस ईयरफोन्स के लिए, बेस के मामले में डेफिनेटली आपके पैसे वसूल हो जाते हैं। बट बेस को छोड़ के जो बाकी हम लोग ऑडियो की बात करें, लाइक हाई टोन्स ले लो, मिड टोन्स ले लो, ट्रेबल, ये सारी चीजें थोड़ी सी फ्लैट साउंड की मुझे, मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन द हाईज लोज ट्रेबल्स मिड्स वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं वो सारी मिक्स होकर सुनाई देती है। तो ये एक बात मैंने ज़रूर नोटिस की है। बट बेस के मामले में भाई एकदम तगड़े ईयरफोन्स हैं, आप एकदम अगर बेस बूस्टेड सॉन्ग सुन लोगे ना तो आपको एकदम अंदाजा आ जाएगा। बात करते हैं इसके फिट की, तो एकदम कंफर्टेबली कान में फिट हो जाते हैं। एंड इसके साथ जो मीडियम साइज के ईयर टिप्स जो लगे हुए मिलते हैं वही काफी कंफर्टेबली फिट हो रहे हैं। मतलब इसके साथ आपको एक्स्ट्रा पेयर भी मिलते हैं स्मॉल एंड लार्ज। यहाँ पर ऑल्दो जो टिप्स वाला पार्ट है वो भी प्लास्टिक बेल्ट है, बट आई गेस इस प्राइस पॉइंट पे हम लोग थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं इस चीज को। बाय द वे, ये ईयरफोन्स काफी लाइट है, अगर मैं इसको पहन के भी रखूँ तो मुझे इतना फील नहीं होता है कि मैंने गले के अराउंड कुछ पहन के रखा है कंटिन्यूसली। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे इसकी, क्योंकि एक चीज मैंने नोटिस की है कि इसका जो बैंड है ये थोड़ा सा आपको एक स्लिपरी मटेरियल का देखने को मिल जाता है। मतलब ऑल्दो फ्लेक्सिबल है, प्लास्टिक है, मेट फिनिश है,
बट एकदम ऐसे स्लिपरी मटेरियल है जिसकी वजह से चिपक के नहीं रहता स्किन पे, तो दिस इज अ गुड थिंग। यहाँ पर आपको IPX4 रेटिंग देखने को मिल जाती है, मतलब स्प्लैश प्रूफ है ये। आप एकदम मतलब गार्डनिंग करने जाओ, एकदम पानी वानी छिड़को, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सरसाइज कर सकते हो, जो स्वेट आएगा उससे इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट डेफिनेटली आपके कैलोरीज पे एक बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इन ईयरफोन्स को यूज़ करके आप एक्सरसाइज कर सकते हो, एंड जैसे कि मैंने बोला इसका फिट काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप एक्सट्रीम मूवमेंट भी करते हो, यहाँ वहाँ से उड़ी मारते हो बेसिकली, जिस समझ जाओ कि कान से निकलेगा नहीं, जितना चाहिए उतना मस्ती मजाक करो ये पहन के। बैटरी बैकअप भी मुझे काफ़ी सही लगा इसका। बॉक्स पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 12 आवर्स का बैटरी बैकअप यहाँ दिया हुआ है। 12 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है प्लेबैक टाइम, तो आई विल से कि यस 12 घंटे एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहूँगा, तो 80-20% जो बैटरी ड्रेन हुआ है उसको ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 16-17 आवर्स लगे, एंड ये पूरे टाइम ऑन थे बिकॉज ये जो मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट्स लगने के बाद ये ऑफ नहीं होते, तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज लगा मुझे। तो स्टिल उसके बावजूद भी ये काफ़ी अच्छे से इसका बैटरी बैकअप मुझे मिला है, तो मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिक कंसर्न नहीं है इसके बैटरी बैकअप का, तो रेस्ट अशोर्ड आप आराम से पूरे टाइम इसको यूज़ कर सकते हो। एंड ये सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है ना यार, सामने से अगर कोई लड़की आप एकदम प्यार से आपसे बात करे ना, तो इंसान पिघल जाए। और भाई क्या लड़की की आवाज़ आती है इसमें, मतलब जब ये बोलती है ना कि बैटरी लो, तो ऐसा दिल से बुरा लगता है भाई। ऐसा लगता है कि उठ के अभी जाके चार्जिंग पे लगा दो इसको, एकदम प्यार से रख दो। बट डेफिनेटली इसका जो ऑडियो फीडबैक है, दैट मीन्स जब ये ऑन होता है तो पेयरिंग वाला जो लड़की का आवाज़ आता है, बैटरी लो वाला जो लड़की का आवाज़ आता है, बहुत ही सूदिंग है कान को, बहुत अच्छा लगा मुझे, पता नहीं फॉर सम रीज़न तो काफ़ी अच्छा है। एंड आई नो बहुत लोग के लिए ये वियर्ड सा लगेगा, बट ये ऑडियो फीडबैक जो होता है वो काफ़ी मैटर करता है, एंड उसमें भी अगर आपको खुशी मिल रही है तो एकदम पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा आपको। ये तो सारी होगी अच्छी बातें, अब चलते थोड़ी सी बुरी बातों की तरफ। जो इन ईयरफोन्स के कॉन्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बल्कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसका जो पूरा बिल्ड है वो प्लास्टिक है, मतलब यहाँ पर हम लोग इसके बैंड से लेके इसका जो साइड पोर्शन है उससे लेके इसका जो ईयर टिप्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई है। इससे मुझे कोई कंप्लेन नहीं है सच, बट थोड़ा सा चीप फील होता है ये। जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। जो दूसरा प्रॉब्लम मुझे ईयरफोन्स में लगा, ये प्रॉब्लम नहीं कह सकते, बट एक फैक्टर है जो आपको थोड़ा सा इरिटेट करेगा, एंड दैट इज द बटन। अगर आप लोग टॉम एंड जेरी जैसा उंगलियों की एक्सरसाइजेस नहीं करते हो, तो शायद आपको ये यूज करने में थोड़ा सा हार्ड पड़ सकता है, बिकॉज उसके जो बटन्स है उनका जो टैक्टाइल फीडबैक है वो बहुत ही हार्ड है, मतलब आपको एकदम हार्ड प्रेस करना पड़ता है। इतने हार्ड बटन मैंने अब तक कोई भी जो वायरलेस बड्स है, ईयरफोन्स है, उनमें कभी नहीं देखे। एक चीज मुझे जो इस ईयरफोन्स के बारे में पसंद आई इज द LED। जब ये LED जलती है तो यहाँ पर आपको ऐसे डॉट डॉट डॉट्स कुछ दिखाई देते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ तो ऑडियो क्वालिटी में आई एम सैटिस्फाइड, कॉल्स भी काफी अच्छे से आप अटेंड कर सकते हो। यहाँ पे ऑडियो कभी कभार ये पिकअप नहीं कर पाता, तो आपको ज़्यादा जोर से कभी कभी बात करनी पड़ सकती है। तो इट विल बी माई सजेशन कि ट्रेन वगैरह में आप ट्रैवल करोगे, अभी तो लॉकडाउन है, बट जैसे ही खुल जाएगा सारी चीज़ें, ट्रेन ट्रैवल करते टाइम कभी किसी स्पेशल समवन से इस पे बात मत करना। दोनों तरफ से चप्पल खाओगे, आवाज़ जाएगी नहीं तो सामने से चप्पल खाओगे, और जोर से बोलोगे तो आजू बाजू वाले लोग से। एनीवेज गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस होंगे इसके रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं पूरा ट्राई करूंगा सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर करने का। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाल डब्बा याद है ना, तो सब्सक्राइब कर दो। एंड एनीवेज थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, इसमें देर साइनिंग ऑफ, यू वॉचिंग एलिमेंट टेक, एंड I'll meet you in the next one.